नमस्कार, दिस इज कनिष्क चौधरी। हैशटैग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो एक और समस्या आती है, जो लोग कंप्यूटर पर ज्यादा देर बैठे रहते हैं, 6 से 8 घंटे की इनकी ड्यूटी है, तो उनकी स्पाइन में, कमर में एक तो हंचिंग बैग हो जाती है, आगे से कंधे झुक जाते हैं, सर्वाइकल की दिक्कत होती है। उससे पहले मैं बता चुका हूँ, एक जो दिक्कत होती है वो लोअर स्पाइन में दर्द रहने लगता है, L4 L5 नीचे रीढ़ की हड्डी में आपके कमर में दर्द रहने लगता है, आप झुकने में भी दिक्कत आती है। तो मैं सरल से ऐसे आसन आपको बता देता हूँ, 4-5 आसन ऐसे बता देता हूँ जो आप रेगुलर अगर उनकी प्रैक्टिस करते हो तो आपकी कमर की जो बैक की जो स्टिफनेस है वो रिमूव हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। मेक श्योर अगर आप हमारे साथ लाइव ऑनलाइन योग करना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां पे आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लग रही है, पूरी सीरीज हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिंपल जो पहली एक्सरसाइज होगी उसमें आपको अपनी नी बैंड करनी है, इस तरीके से स्ट्रेच करनी है, आपको 4 से 5 मिनट निकालना है, इस तरीके से अपनी नीज को बैंड करना है चेस्ट की तरफ, और इस तरीके से कुछ देर आपको दोनों नीज को अल्टरनेटिव आप होल्ड कर सकते हैं, और आप चाहें तो 15-20 सेकंड इस तरीके से होल्ड करके रख सकते हैं, जो सिंपल है। दूसरा, आप इसमें पवन मुक्ता आसन कर सकते हैं, अपनी दोनों नीज को बैंड करके इस तरीके से होल्ड करेंगे और धीरे से सर उठने की सांस भरते हुए और अपने हेड को अपनी नी के साथ टच करने की कोशिश करेंगे, जो कि सिंपल आसन आपको 30-40 सेकंड में आप होल्ड कर दो तो बहुत बेनिफिट करेगा। थर्ड, इसमें आप क्या कर सकते हैं, हाथ इस तरीके से फैला के धीरे धीरे इस तरीके से ट्विस्टिंग कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, इसे आप डायनेमिक भी कर सकते हैं, यानी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हो थोड़ा क्विक, और इसे आप स्टैटिक भी कर सकते हैं, होल्ड थोड़ी देर रिलेटेड रह सकते हैं इस तरीके से, 30 सेकंड 40 सेकंड 45 सेकंड जैसे आपको अच्छा लगे इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसी में हम थर्ड जोड़ लेंगे तो इसमें हम भुजंगासन करेंगे, उसमें क्या होगा, आप ऐसे लेट जाओगे इस तरीके से, लेटने के बाद अपने हाथ रखोगे चेस्ट के अराउंड, पंजे पीछे की ओर, और धीरे धीरे सांस भरते हुए आप यहाँ से ऊपर उठ जाओगे इस तरीके से, पोस्चर को होल्ड करोगे। बहुत बार आपने मेरे को भी देखा होगा आसन करते हुए, बहुत चीजें हमें बताते हुए, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इस तरीके से अगर आप फोल्ड करते हो तो ये आपकी मसल को स्ट्रेंथन करेगा, साथ में अपडाउन भी होगा। फिर इसमें आप कैट एंड काउ पोस्चर भी कर सकते हो, कैट कैबल भी बोलते हैं, हाथ चेस्ट के नीचे रखेंगे, इस तरीके से अपनी बैक को आर्च करेंगे, इन्हेल के साथ आर्च करेंगे सांस भरते हुए, और सांस बाहर छोड़ते हुए एक अच्छा सा हंप बनाएंगे, कैबल की तरह अपनी कमर को ऊपर की ओर निकालेंगे, इन्हेल के साथ आर्च करेंगे, एक्सेल करेंगे 10-15 बार अगर ये करते हो आप 3-3, 4-4, 5-5 बार ऊपर नीचे, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। साथ में आप इसमें 12 आसन पोज कर सकते हो, आराम से इसे स्ट्रेच कर सकते हो, ये आपके कंधों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, और इससे आपकी स्पाइन भी लेंथन होगी, एलिवेट होगी, स्पाइन खींचेगी, रीढ़ की हड्डी का पोस्चर अच्छा रहेगा। अगर आप इन आसन में 5 से 7 मिनट दे दो, देखो ज्यादा कोई ऐसे डिफिकल्ट आसन नहीं है, सिर्फ आपको कुछ नीचे बिछाना है, और अगर आप चाहो तो अपने बेड के गद्दे पे भी नहीं कर सकते हो, अगर सेमी हार्ड आपके गद्दे हैं, ज्यादा दलदले से गद्दे ना हो आपके, सही सेमी हार्ड गद्दे हो जिन पे आप लेट सकते हो, थोड़ी कमर सीधी रह सकती है, तो वहां भी लेट के आप ये आसन कर सकते हो, आपको वहां भी बहुत हेल्पफुल ये करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरी सीरीज इस तरीके से आपको ये हेल्प करेगी, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो बहुत आसान भी है करने के लिए और आसानी से आप कर भी सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं, सभी के लिए है, बाकी और सभी चीज के लिए ये सीरीज चल रही है। आप ऑनलाइन योग करना चाहते हैं फिर बताता हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।